किरण वर्मा, जिन्होंने संसाधनों की कमी के बावजूद पैदल यात्रा कर लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित करने के लिए 24 राज्य केंद्र शासित प्रदेश के 270 जिलों का 21,250 किलोमीटर से अधिक का सफर तय किया। जिन्होंने अपनी इस पैदल यात्रा के दौरान चंडीगढ़ पहुंचने पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि मैंने अपनी ये यात्रा 28 दिसंबर 2021 को केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से शुरू की थी, जिसके चलते आज चंडीगढ़ पहुंचा हूं और इसके बाद पंजाब हरियाणा से होते हुए दिल्ली पहुंचकर अपनी इस यात्रा का समापन करूंगा। किरण ने बताया कि उनके जीवन में ऐसी दो घटनाएं घटित हुई थी जिससे उन्होंने ऐसा करने के लिए प्रेरित हुए। और उन्होंने बताया कि एक बार रायपुर की एक महिला को अपने पति के लिए ब्लड की जरूरत थी, मैंने उनके लिए ब्लड तो डोनेट कर दिया, पर जब महिला से बातचीत हुई तो पता चला कि उसे अपने पति के इलाज और ब्लड अरेंज करने के लिए उसे अपना शरीर तक बेचना पड़ा था। नमस्कार, मेरा नाम किरण वर्मा है और ये मुहिम नहीं है, ये बस एक प्रण है कि अपने बच्चों को और सभी के बच्चों को एक ऐसा भविष्य देना जहाँ किसी की भी जान ब्लड की कमी की वजह से ना जाए। और इसके अंदर करने को कुछ भी नहीं है, सिर्फ पैदल चलना है और पैदल चल के लोगों को जागरूक करना है और उनको ये संदेश देना है कि आप रक्तदान करें ताकि देश के अंदर रक्त की कमी की वजह से किसी की जान ना जाए। तो देखिए, ये यात्रा मैंने 28 दिसंबर 2021 को केरला से शुरू की थी और 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश होते हुए अभी तक 21,250 किलोमीटर की मैं पैदल यात्रा कर चुका हूं। और परेशानी का ये है कि हर मौसम अपने आप में परेशान करने वाला है, बशर्ते कि आप उसको किस तरीके से लेते हैं। लेकिन क्या है ना कि बड़े बदलाव के लिए आपको बड़े सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत पड़ती है और यही सोच के साथ कि एक बदलाव लाना है देश के अंदर, एक समस्या को ख़त्म करना है, इसी बदलाव को सोचते हुए मैं गांव-गांव शहर-शहर जा रहा हूं। और बस मकसद ये है कि जितने ज़्यादा लोगों को एनकरेज कर सके उतने ज़्यादा लोगों को एनकरेज करके उनको ब्लड डोनेशन के लिए प्रोत्साहित करें ताकि 5 मिलियन और नए ब्लड डोनर्स तैयार किए जा सके और ब्लड की कमी की वजह से किसी को अपनी जान न गंवानी पड़े। तो देखिए, ये यात्रा के आगे यहाँ से पंजाब से जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश होते हुए मैं दिल्ली जाऊंगा और दिल्ली में इस यात्रा का अंत करूंगा जहां मैं सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी को कवर करूंगा। इस यात्रा के दौरान बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा, मेरी इस यात्रा को सपोर्ट करने के लिए 150 से ज़्यादा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है अभी पिछले 2.5 सालों के अंदर अलग अलग संस्थाओं द्वारा, जिसके अंदर 45,000 से ज़्यादा लोगों ने ब्लड डोनेट किया है अलग अलग जगह, जिनमें से ज़्यादातर लोगों को मैं जानता भी नहीं हूँ पर्सनली। लेकिन आप सोच के देखिए कि इन लोगों ने मेरी इस यात्रा को